हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एकता किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज और पनीर की सब्ज़ी। तो चलिए प्याज और पनीर की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पाव पनीर ले लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं और प्याज टमाटर ले लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में प्याज को और लहसुन को पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने प्याज और लहसुन को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा के इसको पीस लेंगे। ये देखिए, प्याज और लहसुन हमने यहाँ पे पीस लिए हैं। इस तरीके से इनका ऐसे इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। ये प्याज और टमाटर मैंने पीस लिए हैं और दो प्याजों को मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तेल में जीरा ऐड कर दिया है। जीरा यहाँ पर मैंने गलती से ऐड कर दिया था, तो आप जीरा ना डालें। सबसे पहले आप यहाँ पर प्याज को भून लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, प्याज यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा हमें इस प्याज को नहीं भूनना है। तो हल्की गोल्डन ब्राउन प्याज हो चुकी है, अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, प्याज भून चुके हैं। अब सेम तेल में यहाँ पे मैं ऐड करूँगी प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था। प्याज और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए इसको भूनेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, प्याज और टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हल्दी पाउडर, फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच पनीर मसाला पाउडर। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी हमें इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ये देखिए, पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो हमने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो हमने भुनी थी, ये देख सकते हैं आप। अब इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पनीर भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। इसको फिर से मिक्स कर लेंगे कैसे। ये देखिए, पनीर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, ये देखिए, या फिर 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसको चलाते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 1/2 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, चीनी ऑप्शनल है। और यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर इस तरीके से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसको लो फ्लेम पे 1 मिनट तक हमें फिर से पकाना है। ये देखिए इस तरीके से, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे एक बार और पकाना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने गैस ऑफ कर दिया है। जो पनीर और प्याज की सब्ज़ी है वो बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार है। आप देख सकते हैं, सर्व के लिए यहाँ पे मैंने ऊपर से बटर और एक हरी मिर्च ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं, जो पनीर और प्याज की सब्ज़ी है हमारी बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।